अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू मुंबई में है किचन। आज हम मेथी का लड्डू बनाएंगे। औरतों की डिलीवरी होती है वो ये नाश्ते में खाती है लड्डू। बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू रहता है, उनकी कमर में या कुछ और भी प्रॉब्लम रहेगा उससे दूर हो जाती है। लड्डू आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे इंशाल्लाह ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, रोज़ की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। चलो रेसिपी स्टार्ट। 1.5 किलो रवा लिया है, 1 किलो देसी घी लिया है, घर का बना हुआ देसी घी है ये। 125 ग्राम हमने गुड़ लिया है, गुड़ को इस तरीके से काट के लिया है, और 7 नारियल लिया है, उसको इस तरीके से खिस के लिया है। जो गाँव में खिसनी रहती है ना कोकनी लोग के घर में, उससे खिसा है। 10 से 12 हमने इलायची का पाउडर लिया है। 1.25 किलो काजू बादाम को अच्छे से दरदरा पीस के हमने लिया है। 1.25 किलो गोंद लिया है। नमक इसके अंदर जाएगा, कोकनी लोग के हर मीठी चीज़ में नमक रहता है। 1.25 किलो हमने मेथी दाने को मैंने अच्छे से भून कर उसको पीस के ली हूँ बारीक एकदम। मैंने 200 ग्राम हलीम ली हूँ। इस तरीके से हलीम आता है बाजार में, इसको हम मेथी के लड्डू में डालेंगे। ये बहुत कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। कमर में जिसके भी दर्द रहता है इस तरीके से लड्डू में डालकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। डालेंगे ऑरेंज फूड कलर है ये। अब बनाने का तरीका बता, ये डाल दिया है। अब इसके अंदर हम जो ये गोंद है इसको फ्राई करके निकालेंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब ये जो गोंद है हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको फ्राई करके लेंगे। इस तरीके से ये फूलता है, और ये फूलने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करके अभी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें निकाल देंगे प्लेट में। अब इस तरीके से ही हम सारे गोंद फ्राई करके आपको बताएंगे। अब हमने 1.25 किलो पूरा गोंद इसको फ्राई करके लिया है। अब इसको कूट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से कूट के लेंगे। अब इसमें और भी हमने घी डाल दिया है। अब हम ये जो रवा है 1.5 किलो ये रवा थोड़ा थोड़ा डालकर भूनेंगे और निकालेंगे। इसके अंदर हमने सब पूरा अच्छे से साफ किए हैं, इसके अंदर कंकर विंकर रहता है वो कुछ भी नहीं है, हमने अच्छे से साफ किए हैं। अब इसमें डालकर इसको अच्छे से अभी हम भूनेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लिए हैं, बस इस तरीके से ही भूनना है, ज्यादा उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा उसको ऐसा लाइटली हमने 10 मिनट भूना है। अब इसको निकालकर दूसरा जो रवा आपको बताई थी वो भी, अब हमने रवा अच्छे से भूनकर निकाल दिए। अब इसमें और घी डालेंगे, हम अच्छा घी डालेंगे इसके अंदर, पूरा 1 किलो घी का बनेगा ये लड्डू। बहुत ही घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब ये चाउ है हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो रहा है खोपरा। अब ये जो 1.25 किलो गुड़ है हमने काट के लिया है वो भी डाल देंगे इसके अंदर, फिर इसको दोनों को अच्छे से हम फ्राई करके लेंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हम अभी इलायची पाउडर जो आपको बताए थे वो डाल देंगे, और नमक डाल देंगे हम। हमारे मीठी चीज में, हर मीठी चीज में कोकनी लोग के नमक रहता है, हम नमक डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर। अब खोपरा, इलायची और गुड़ अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून कलर डाल देंगे, फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, मगर अच्छा दिखने के लिए हम डालते। मेरी सासू माँ का ट्रिक है ये, इस तरीके से बनाने बोलते हैं वो, तो मैं उस तरीके से ही बना। अब इसके अंदर हम ये काजू बादाम जो 1.25 किलो आपको बताया है इसको हमने अच्छे से पीस के लिया है, पाउडर बना दिया, थोड़ा दरदरा रखा है। अब ये डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गुड़ और चाउ जो है वो अच्छे से पक रहा है। अब ये जो मेथी है हमने 1.25 किलो इसको अच्छे से भून कर पीस कर लिए है, अब ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से भून रहा है। अब हम इसमें गोंद को हमने अच्छे से फ्राई करके लिया है, इसको हम दस्ते से हमने अच्छे से कूट के लिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर गोंद, हलीम और हमने मेथी दाना सब डाल दिया है। ये कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके का लड्डू बनाओ इंशाल्लाह आपको बहुत। अब इसको हमने 5 मिनट अच्छे से भून के ले लिए है, गुड़ की स्मेल भी चली गई है। ये जो रवा हमने फ्राई करके लिया है घी में, ये डाल देंगे इसके अंदर। सारा रवा डाल दिया हमने इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, मिक्स करेंगे, बारीक फ्लेम पर ही रखने का गैस को। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने लड्डू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम बारीक गैस पे
ढककर इसको 10 मिनट पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। अब पूर बनकर रेडी है, अब हम इसको गरम गरम में ही लड्डू बनाएंगे। अभी आपको लड्डू बना के दिखाएंगे। अब हमने एक थाले में निकाल लिए गरम गरम लड्डू को, हम अभी अच्छे से गोल गोल कर इस तरीके से ऐसा गोल गोल करके इसको ज्यादा भी एकदम दबाने का ना, इसका जो घी है इसमें ही रहने देने का, एकदम निचोड़ के लेंगे तो कड़क लड्डू हो जाएगा। इस तरीके से ही लड्डू को जरा जरा हल्के हाथ से ही गोल गोल करने का। और मेथी का लड्डू बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।